देखिए इटली वाली का बेटा कभी हिंदू को समझा ही नहीं और पहले खुद हिंदू है ही नहीं हुआ, तो हिंदू को तो गलत बताएगा ही ना। सदन में माफी मांगिए, नहीं तो हिंदू अगर हिंसक हो जाएगा ना तो सदन से भी आपको बाहर खींच लिया जाएगा। आपको पप्पू की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई क्योंकि आप वाकई में पप्पू ही हैं, और इनको तो पप्पू खान की संज्ञा दे दी गई है। नीले कबूतर से क्या संज्ञा दे रहे हैं आप? अरे नीले कबूतर वही इस धरती का कलयुग का रावण बना बैठा हुआ है, जो जात पात जय भीम जय भीम किया करता है। आप वायनाड से जीते हैं, जीसस क्रिश्चियन वाले लोग आपको वोट दे दिए हैं, तो आज जीत गए तो आप हीरो बन रहे हैं। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। राहुल गांधी संसद भवन से हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं। अब वो जो माचिस मारे हैं उसका आग पूरे देश भर में फैल गया और खास करके पटना के जो लोग हैं वो काफी उग्र हो गए हैं। अब आइए पटना के लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ नगेश सम्राट जी हैं। नगेश भैया, क्या कहना चाहिएगा? उन्होंने तो हिंदू समाज को हिंसक बता दिया है। देखिए इटली वाली का बेटा कभी हिंदू को समझा ही नहीं और पहले खुद हिंदू है ही नहीं हुआ, तो हिंदू को तो गलत बताएगा ही ना। इटली से आया हुआ यह व्यक्ति कभी यह क्रिश्चियन के ऊपर बोल करके दिखाए, कभी यह विशेष कौम के ऊपर बोल करके दिखाए, इसकी जीभ पल भर में उतार ली जाती। लेकिन यह हिंदू है, सहने वाला समाज है, सहता है सदैव। आप कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं लेकिन फिर भी सहता है। राहुल गांधी को यह चेतावनी है, बिहार से चेतावनी है, भारत के किसी देश से चेतावनी हो या ना हो, लेकिन यह बिहार से चेतावनी है। राहुल गांधी जी, अपने भाषा को संयमित करिए, और हिंदू को हिंसक जब बोले हैं तो सदन में माफ़ी मांगिए, नहीं तो हिंदू अगर हिंसक हो जाएगा ना तो सदन से भी आपको बाहर खींच लिया जाएगा। सदन में भी उतने सारे हिंदू थे जो आपके ऊपर हिंसक रूप अपना सकते थे, लेकिन अपनाए क्या? नहीं ना, वो सहते रहे बात को। आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं, आपको पप्पू की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई क्योंकि आप वाकई में पप्पू ही हैं, और इनको तो पप्पू खान की संज्ञा दे दी गई है। और ये लोग कब्र और चादर और फादर में विश्वास रखने वाले लोग महादेव में और श्री राम में कैसे विश्वास रख सकते हैं? ये तो चादर में ही लिपटा के चले जाना है और कब्र में दफन हो जाना है, इनका यही स्लोगन है। यह शराब पीने वाला व्यक्ति मंच पे जब शराब पी करके जाता है तो हालेलुया और जीसस क्रिस्टस के बारे में चर्चा कर सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में अच्छा शब्द कभी नहीं बोल सकता है, सनातनियों के प्रति अच्छा शब्द नहीं बोल सकता है। तो हम लोग आज विरोध भास करते हुए आज इसका फोटो जलाने का कार्य किए हैं। फोटो भी जलाए हैं जी, हम लोग फोटो जलाए हैं उसका, और जला करके हम लोग लात जूता से उसका स्वागत भी किए हैं। भले ही सदन में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि सदन का प्रोटोकॉल बड़ा अजीब होता है, नहीं तो मोदी जी अगर थोड़ा बहुत परमिशन हम लोग को दिलवाइए तो उस सदन में पहुंच करके ऐसा जवाब देंगे, उसके साथ नीले कबूतर भी कुछ लोग हैं उनको भी ऐसा जवाब देंगे कि उनका जुबान बंद हो जाएगा। नीले कबूतर से क्या संज्ञा दे रहे हैं आपकी? अरे नीले कबूतर वही इस धरती का कलयुग का रावण बना बैठा हुआ है, जो जात पात जय भीम जय भीम किया करता है, और जय भीम वाले लोग जब मर जाते हैं तो साला ताकने नहीं जाता है। यहीं सिवान में एक गोल्डन दास की हत्या हो जाती है। जातिवाद की बात तो करते हो लेकिन कोई मर जाता है तो देखने नहीं जाते हो। उस समय कहाँ चली जाती है तुम्हारी जाति? उस समय तुम बन जाते हो नेता, सांसद बन जाते हो, और सांसद बनकर सदन में कहते हो कि मुसलमानों के नमाज के लिए, तो कौन रोका हुआ है? नमाज तो पढ़ते ही है लोग, कौन रोका हुआ है? 20 दिन कावड़ यात्रा के लिए रोड बंद होता है तो 20 मिनट के लिए नमाज के लिए रोड बंद होता है भाई, रोड तो चालू रहता है। हम तो देखे हैं कांवरिया जब चल, हम भी जाते हैं 7-8 साल पैदल गए हैं, जाते हैं, गाड़ी भी आवागमन होता है, रोड कहाँ बंद होता है? मतलब भाषा में कुछ भी प्रयोग कर दीजिएगा, कांवरिया को सेवा दिया जाता है, रास्ते हल्के बनाए जाते हैं साफ तरीके से क्योंकि वह पैदल जाते हैं, गाड़ी चढ़ ना जाए। भाषा को संयमित रखिए रावण जी, ये कलयुग है। त्रेता में राम ने रावण का विध्वंस किया था, तो इस कलयुग में राम के शिष्य भी हैं जो आपका विध्वंस कर सकते हैं। हवा में मत रहिएगा, राहुल गांधी का विध्वंस कर दीजिएगा। अरे राहुल गांधी और रावण का विध्वंस नहीं होगा, विध्वंस हुआ था कि मतलब औकात में समझ में आ गया था, 10 साल तक ले झाल बजा रहा था, ये सब दो चार को सीट बढ़ गया तो हीरो बनने लगा। अरे यही जनता है ना। आप वायनाड से जीते हैं, जीसस क्रिश्चियन वाले लोग आपको वोट दे दिए हैं, तो आज जीत गए तो आप हीरो बन रहे हैं। सनातन का अपमान कर दीजिएगा, मंदिर में काहे दौड़ रहे थे, काहे भीख मांग रहे थे कि भगवान हमसे गलतियों का क्षमा करिए? वो कहते थे कि शक्ति से लड़ाई, वो शक्ति से लड़ाई करेंगे, भगवान से वो लड़ाई कर लेंगे, कौन से भगवान से लड़ाई करेंगे? नसीब होगा, भगवान को देखेंगे तो भस्म हो जाएंगे, वो भगवान को कभी जीवन में देख नहीं सकते हैं। भगवान के शिष्य से पहले उनका पाला पड़ जाए ना, हटाएं अपना सिक्योरिटी गार्ड आकर के हम लोग से खाली बात कर लेना, पॉइंट में पेशाब करवा देंगे राहुल गांधी का। बात बोले ना पता चल जाएगा उनको सदन के। आप क्या कहिएगा राहुल गांधी की शक्ति? शक्ति से वो क्या लड़ेंगे? शक्ति के एक भक्त से जब वो नहीं लड़ पाए, आप कर्पात्री जी महाराज को जानते होंगे, जब इंदिरा गांधी को उन्होंने समर्थन किया और जब इंदिरा गांधी का सरकार बना
और गौ हत्या बंद करने के लिए जब जुलूस निकाल कर गए तो इंदिरा गांधी गोली चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे साधु संत मारे गए और गौ भी मरा। करपात्री जी महाराज ने कहा कि साधु संतों का हत्या तो हम माफ किए, लेकिन गौ हत्या माफ नहीं करेंगे। और वो गोली भी चला था किस दिन? वो गोपाष्टमी का दिन था, जिस दिन गौ के ऊपर गोली चला था। शक्ति का ही भक्त करपात्री जी महाराज कहे थे कि जैसे गौ को गोपाष्टमी के दिन मारा है, तुम्हारा पूरा वंश गोपाष्टमी को ही नाश होगा। आप देख लीजिए, संजय मरा आकाश में, दिन था गोपाष्टमी,